यहाँ पर भक्तों को रुआब्जा पिलाया जा रहा है। देखिए रुआब्जा पिलाया जा रहा है, पूरे दिन की गर्मी ख़त्म, क्योंकि बहुत गर्मी पड़ रही है आजकल। आज 45.6 डिग्री टेम्परेचर था। वाह, बहुत भीषण गर्मी, बहुत भीषण, और भीषण भीड़ थी आज, जबरदस्त भीड़ थी और भीषण गर्मी थी आज। देखिए श्रद्धालुओं को यहाँ पर रुआब्जा पिलाया जा रहा है, ठंडा पिलाया जा रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इसकी कॉस्ट नहीं रखी गई, फ्री पिलाया जा रहा है। जितना पीना है, बाटल बनना बाटल भरो, बहुत ही उत्तम क्वालिटी का मीठा, बहुत ही ठंडा है और बेहतरीन रुआब्जा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। देखिए यहाँ ये पूरा ग्राउंड है और ये पंडाल के पीछे का, देखिए यहाँ पर सामने बाबा की जय। यहाँ पर प्रसादन बनाया गया है, टॉयलेट वगैरह नहाने के लिए, फ्रेश होने के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था है। भोपाल जैसी व्यवस्था कहीं नहीं मिलेगी, मुझे नहीं लगता है ऐसा कि कहीं और भी ऐसी व्यवस्था बनाई गई हो। तो ये पूरा ग्राउंड है, बहुत बड़ा ग्राउंड है। देखिए सब लोग कह रहे हैं दो दिन की कथा और बढ़ाई जाए, सात दिन हो जाए। आप लोग तैयार हैं? देखिए सब लोग तैयार हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए दो दिन की होनी चाहिए, सात दिन की कथा होनी चाहिए। दो दिन से तो लोग बाग आए तो आने ही नहीं निकल जाता है। ऐसा पांडा लभे लगने वाला नहीं है। दो दिन की कथा और रख लो, हमारी प्रार्थना है। हम तो कह रहे 11 दिन की रखो, बेहतरीन। हाँ, जनता बहुत बड़ा ग्राउंड है यहाँ पर। यहाँ पर 1 करोड़ भी जनसंख्या आ जाएगी तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि यहाँ ग्राउंड बहुत बड़ा है। ये पंडाल है पूरा, ये पंडाल है। मध्य प्रदेश की राजधानी की जय हो। जय हो मध्य प्रदेश की राजधानी की, भारत माता की जय हो। जय हो मिश्रा जी की, और आपका नाम है कथा कराने वाला गुरु अंकल जी की जय हो। जय हो सारंग जी की। ये बहुत खुश है यहाँ पर श्रद्धालु, बहुत खुश, बहुत आनंदित है। यहाँ ऐसा लग रहा है कि यहाँ से जाए ही नहीं, जो भी एक बार आ जाता है उसके जाने का मन नहीं करता यहाँ से। ये पंडाल है और रात दिन पंडाल बढ़ाए जा रहे हैं। ये सामने देखिए पूरा पंडाल अभी बढ़ाया गया है, पूरी रात काम चलेगा, पूरा पंडाल यहाँ तक आ जाएगा ये। और ऐसे ही चारों तरफ पंडाल बढ़ाए जा रहे हैं, चारों तरफ ऐसी पंडाल बढ़ाए जा रहे हैं, दिन रात काम हो रहा है, क्योंकि रोजाना संख्या बढ़ रही है भक्तों की। ये पूरा पंडाल है, बहुत ही बेहतरीन सुविधा यहाँ पर व्यवस्था है। देखो यहाँ पर ये पूरा ग्राउंड है, यहाँ ये गाड़ियाँ कोई नहीं आती हैं, अभी आ गई हैं और बाहर पार्किंग है वहाँ पर रखी जाती हैं। यहाँ कोई गाड़ी नहीं आती है, एकदम पैदल आते हैं वहाँ से, ताकि कोई अव्यवस्था ना फैले। हमने यहाँ पर पिया है ठंडा और बहुत अच्छा लगा, रुआब्जा पिया हमने, बहुत ही बेहतरीन है, बहुत अच्छा टेस्ट है, एकदम ओरिजिनल है। भैया कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कथा में आनंद आ रहा है? आनंद आ रहा है, बहुत आनंद है। सभी लोगों की यही उम्मीद है कि दो दिन कथा और बढ़ाई जाए, क्योंकि 5 दिन बहुत कम है, 5 दिन कम पड़ रही है सब लोगों को, क्योंकि आनंद में आनंद और बढ़ जाए तो अच्छा लगता है। तो दो दिन कथा और बढ़ाई जाए, सब लोगों की यही इच्छा है, और हम दुआ करते हैं भगवान से कि 2 दिन की कथा और बढ़ाई जाए, 7 दिन की हो जाए तो और आनंद आए, क्योंकि हाँ देखिए 7 दिन की हो जाए, 5 दिन की जगह 7 दिन की हो जाए तो और आनंद आएगा, क्योंकि आनंद बढ़ता जा रहा है सब लोगों का। गाइस ये ब्लॉग आज का कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आप पहली बार आए हो चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय।